मैं आपको पुनः अपने वादे के अनुसार कहना चाहता हूं कि 1 अप्रैल बीत चुका है, किसी भी पटना के डीओ द्वारा किसी भी शिक्षक साथियों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग डर कर वापस क्यों हो गए थे? और अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ लोग ये कहते हैं एक ही पत्र को 4-4 बार 5-5 बार हर ग्रुप में लिख रहे हैं, वो लोग हैं जो ना कभी हड़ताल में थे, ना हैं, ना वो रहेंगे। आपको मैं बीआरपी साहब, सीआरसी साहब, आपको मैं बताना जानना चाहता हूं कि हड़ताल के समाप्ति के बाद पटना जिला के एक भी सीआरसी बीआरपी जो गैर तरीके से बीआरपी बन बैठे हैं उसके सूची हमारे पास उपलब्ध हो गया है, उनको जाना तय है। उनको बीओ नहीं बचाएंगे, डीओ नहीं बचाएंगे, कोई भी दुनिया के ताकत उनको नहीं बचाएंगे इसे फर्जी। और हर प्रखंड में 8-8 साल, 6-6 साल, 7-7 साल से बीआरपी सीआरसी जमे हुए हैं। आप तो हमारे हड़ताल को कमजोर करने पर पड़े हुए थे, लेकिन हम तो चट्टानी एकता के साथ हड़ताल पर हैं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित में हमें वापस हो जाना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन सा आप वापस होकर कौन सा राष्ट्र हित में काम कर दिए? क्या किसी गरीब आदमी को जाकर अपने हिस्से का अगर आपको 30,000 मिलता है तो 15,000 दान भी किए हैं? शर्म आना चाहिए ऐसे जयचंदों को, शर्म आना चाहिए ऐसे 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 शिक्षकों को जो झूठ बोलते हैं। अरे 21 के बाद तो स्वतः हड़ताल में आप हड़ताल जो है वो शिक्षण कार्य नहीं हो रहा तो आपका वेतन बन रहा है। वेतन का हमको तो 27 दिन का करना है सामंजन, अगर हड़ताल अगर 14 के बाद समझौता होता है तो, आ नहीं होता है तब जब स्कूल खुलेगा उसके बाद जितना दिन का रहेगा, लेकिन पीछे का तो 27 दिन ही है। इसलिए साथियों आपसे मैं कहने आया हूं कि मानव समाज के नाम पर ढोंग करना बंद करें, कोरोना के नाम पर राजनीति करना बंद करें। सच्चाई यही है कि आप डर गए हो, आप बुजदिल हो जो हड़ताल से वापस आने की बात करते हो। आप समझ सकते हैं कितने साथी को इस पर नौकरी दाव पर आ गया है, कितने हमारे साथी का घर पर चूल्हा नहीं जल रहा है। और आप जयचंदो, आपको क्या मलाल था, सोच रहे हैं कि आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का वेतन मिल जाएगा? शर्म कीजिए, ना मिलने वाला है। याद रखिएगा सिर्फ जनवरी का ही वेतन मिलेगा। और जो जयचंद है पूरे बिहार में, पूरे पटना जिला में 385 लोगों का ही फरवरी का वेतन जा रहा है, और मार्च का भी वही 385 जाएगा जो हड़ताल में कभी नहीं था शुरू से, औसत जयचंदों का। इसलिए साथियों ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और आपको एक बात बता दें, प्रधान सचिव के महोदय ने एक बात स्पष्ट कर दिया था कि जो हड़ताल में वापस आएंगे बिना समझौता का उसको सेवा टूट होगा। चिंता मत कीजिए, संगठन आपके साथ नहीं खड़ा है। याद रखिएगा जो जो लोग वापस आए हैं सबको हम सूची मंगा रहे हैं, और सर्विस बुक मंगवा कर अपने सामने डीओ से सेवा का टूट मान कर लिखवाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि जयचंदो को मुस्तफा आजाद का दिल में कोई जगह नहीं है, वो गद्दारों को कोई हमारे दिल में रहम नहीं होगा। रोइएगा, रोइएगा, रोइएगा। याद रखिएगा, जब आपके सर्विस बुक पर लिखाएगा सेवा में टूट तो रोइएगा। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, हम तो समझौता के तहत आएंगे, लेकिन आप किसके तहत आइएगा? आप बीआरपी लोग, आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग बचिएगा। मत चिंता मत कीजिए, गैर तरीके से आप जो बीओ को दलाली कर करके अपने आप को बीआरपी या सीआरसी लिखते हैं, चिंता मत कीजिए। हाई कोर्ट में, लेबर कोर्ट में एक एक बीआरपी, सीआरसी और बीओ के खिलाफ केस होगा, और हाई कोर्ट में पटना के डीओ और डीपीओ प्रधान सचिव के खिलाफ होगा केस होगा। चिंता मत कीजिए, ये मोबाइल पर ये कौन सा नियम है कि हड़ताल मोबाइल पर वापस होगा? ये कहां से
मैंने अपना एडवोकेट से बात किए हैं संगठन से, चिंता मत कीजिए, इंतजार कीजिए, समय का, समय बहुत बड़ा बलवान है। इसलिए साथियों जो हड़ताल में बने हैं बने रहिए, और जो साथी हड़ताल से वापस आ गए हैं और वो हमारे संगठन में बने हुए हैं, वो किसी पद पर नहीं, वो सीधा सीधी अपने आप को बर्खास्त समझें, सेवा में टूट समझेंगे और व्हाट्सएप पर लिखे हैं ना, हम भी निकलवा लिए हैं, चिंता मत कीजिए। यही डीओ आपको सर्विस बुक मंगाएगा और लिखेगा कि इतना से इतना तारीख तक ये हड़ताल में थे, इसलिए इनका सेवा टूट होगा, हमारे सेवा में लिखेगा, नहीं लिखेगा आपके सेवा में लिखेगा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ होगा। यह भी पत्र निकलने वाला और निकलवाएगा संगठन कि जो हड़ताल में नहीं है उसको, जो हड़ताल से वापस आया उसको सेवा में टूट के लिए पत्र निकालिया, उसको सभी सर्विस बुक पर उसको सेवा में टूट के लिए लिखी है। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, खून को तो आंसू रोइएगा, घबराइए मत, मत घबराइए। इसलिए साथियों हम हड़ताल में थे हैं और रहेंगे, किसी भी बहकावे मत आइए, कोई भी अफवाह में मत आइए। 385 लोग ही हड़ताल में नहीं है, माध्यमिक और प्राइमरी मिलाकर, बाकी सभी शिक्षक 15,000 हाई स्कूल और मिडिल प्राइमरी मिलाकर है, जिसमें 385 जयचंद लोग हड़ताल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, 385 का तो क्या होगा, भगवान ही जाने, खुदा ही जाने। हम लोग हड़ताल में थे हैं और रहेंगे, इस देश हित में है, समाज हित में है, जिला अधिकारी से हम लगातार संपर्क में हैं और लगातार उनको बता रहे हैं कि अगर हम शिक्षक संगठनों का कोई भी जरूरत पड़ेगा तन मन धन से, हम उन तमाम पटना जिला इकाई के, हम अपने संगठन के जीतू भाई, शैलेश जी और वीरेंद्र जी, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम लोग लगातार, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम अपने आस पड़ोस सब जगह साथी के साथ, वार्ड काउंसलर के साथ मिलकर, सब लोगों के साथ मिलकर उनको भूखे मरने नहीं दे रहे हैं, उनको दवाई उपलब्ध करा रहे हैं, उनको दूध उपलब्ध करा रहे हैं, उनको 3 टाइम का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और आप कहते हैं कि राष्ट्रहित में मुस्तफा आजाद से ज्यादा समाज सेवी आप लोग हो गए हैं जयचंदो, इसलिए दिखाने का काम मत कीजिए, घड़ियाली आंसू मत रोइए कोरोना के नाम पर। अगर आपके अंदर कोरोना के नाम पर दर्द है बिहार के और समाज के लिए, राज्य हित और राष्ट्र हित के लिए, तो आज ही आप दान स्वरूप अपने परिवार, अपने आस पड़ोस को दीजिएगा। लेकिन आप लोग देने वाले में से नहीं है, आप लोग तो जयचंद हैं। जयचंद कहीं किसी को दिया है समाज को, सिर्फ समाज को लूटा है, सिर्फ सदना समाज को बदनाम किया है। और निश्चित रहिए 14 के बाद हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कई MLC कई मंत्री से हम लोगों का बात सत्ता विपक्ष से हो रही है, निश्चित तौर पे हम लोग पूर्ण वेतन मान लेकर हड़ताल समाप्त हो गए, सरकार बैक फुट पर है और कोरोना के नाम पर सरकार हमें बरगला नहीं सकती है साथियों। इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, इरादा नेक है, हौसला बुलंद है, इंशाल्लाह मंजिल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जय